हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12th की पाइथन। तो लास्ट लेक्चर में हमने एसक्यूएल के बारे में पढ़ा था और डेटाबेस को कैसे हम हैंडल करते हैं एसक्यूएल के थ्रू, वो देखा था। अब हम क्या करेंगे, एसक्यूएल का यूज करते हुए हम अपने पाइथन प्रोग्राम के थ्रू डेटाबेस को छिड़के देखेंगे। यानी कि अगर हमें डेटाबेस को छेड़ने के लिए बार बार एसक्यूएल लैंग्वेज में अपनी तरफ से कमांड देनी पड़े तो उसका फायदा क्या, तो हम उसको एक प्रोग्राम के थ्रू करेंगे। यानी अब हम पाइथन को एसक्यूएल के साथ कनेक्ट करने वाले, तो इसलिए हमारा जो टॉपिक है वो इंटरफेस पाइथन विद माई एसक्यूएल। तो हमें करना क्या है, बेसिकली अपने पाइथन प्रोग्राम को इस हिसाब से डिजाइन करना है कि वो डेटाबेस को एक्सेस कर पाए और उसके अंदर डेटा ऐड कर पाए, और जो जो सब हम कमांड यूज करते थे एसक्यूएल के अंदर वो सब हम अपने प्रोग्राम के थ्रू उसके अंदर कर पाए। तो अपने प्रोग्राम को MySQL के डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए हमें कुछ स्पेशल फंक्शंस चाहिए, और फंक्शंस हम खुद तो बनाएंगे नहीं। तो हमारे पास पाइथन में क्या होती है, हमारे पास जो लाइब्रेरीज, तो एक स्पेशल लाइब्रेरी हम यूज करेंगे MySQL कनेक्टर नाम की, और उससे फिर हम अपने डेटाबेस को एक्सेस कर पाएंगे अपने पाइथन प्रोग्राम के अंदर। तो मैं इसको ऐसे करके इंपोर्ट करा लूंगा, MySQL के अंदर कनेक्टर नाम का हमारा मॉड्यूल है और उसको हमने यहां पे एलियास नेम दे दिया SQL कौन, ठीक है, SQL कनेक्टर कुछ भी दे सकते हैं। अब हमारे पास ये मॉड्यूल आ चुका है, तो अब हम अपनी स्क्रिप्ट से कमांड भेज सकते हैं डेटाबेस को, स्क्रिप्ट यानी कि जो हमारा पाइथन प्रोग्राम है बेसिकली। तो अब जैसे हम फाइल हैंडलिंग के अंदर एक फाइल को कैसे एक्सेस करते थे, हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता था, फाइल ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू हम उसको एक्सेस करते थे, जो हमारा मीडियोकर की तरह वर्क करता था। सेम हम डेटाबेस के साथ करेंगे, डेटाबेस को भी एक्सेस करने के लिए हमें एक मीडियोकर चाहिए होगा या फिर कहीं एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा जो हमें उसे कनेक्ट कराएगा। तो स्टेप वन था कि हमें सबसे पहले अपने मॉड्यूल को इंपोर्ट कराना है। स्टेप सेकंड क्या है, अब हमें एक कनेक्शन बिल्ड करना है अपने डेटाबेस और अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। हमारे पास मॉड्यूल तो आ चुका है, हमारे पास कुछ प्रोग्राम होंगे, और एक कनेक्शन के बीच में हमारी हेल्प कौन करेगा, हमारा ऑब्जेक्ट, जैसे फाइल में करता था वैसे डेटाबेस में एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट बनेगा। तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट जो भी है हमारा उसका कुछ भी नाम होगा, ठीक है, आइडेंटिफायर। और हम क्या करेंगे, SQL कौन, हमने इसको इंपोर्ट करा था एलियास नेम से, तो SQL कौन का कनेक्ट फंक्शन हम यूज करेंगे। तो इसके अंदर हमारे काफी सारे पैरामीटर्स जाते हैं, सो होस्ट जाएगा, यूजर जाएगा, पासवर्ड जाएगा और डेटाबेस का नेम जाएगा, ठीक है। होस्ट यानी कि जो कौन उसको एक्सेस कर रहा है, यूजर यूजर का नाम, पासवर्ड अगर हमारा कुछ है, और फिर जो हमारे डेटाबेस का नाम है वो हमारा जाएगा। तो इसका बेसिक सिंटैक्स क्या है, जो भी हमारा नाम है, तो जैसे मैंने कनेक्टर का नाम दे दिया माइक कौन, और हमारा जो ऊपर एलियास नेम था होता है SQL कौन, कनेक्ट करके, और इसके बाद ब्रैकेट में हमें सारी वैल्यूज देनी है। होस्ट आपका मोस्टली लोकल होस्ट होता है, और यूजर पासवर्ड और डेटाबेस आपका डिपेंड कर सकता है। फिर एक फंक्शन बनाने थे जो हमें बता देगा कि हमारा डेटाबेस कनेक्ट हुआ है कि नहीं, सो माइक कौन डॉट इज कनेक्टेड करके हम चेक कर लेंगे, अगर ट्रू होता है तो उस केस में हम प्रिंट करा देंगे कि सक्सेसफुली कनेक्टेड, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है। तो स्टेप टू भी हो गया, हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो गया, कैसे करें यहाँ पर देख लिया, ठीक है। डेटाबेस का नाम हमें एंड में देना होगा और यहाँ पर हमारा होस्ट यूजर और पासवर्ड दे देंगे, तो डेटाबेस हमारा कनेक्ट हो गया। उसके बाद हमारा स्टेप थ्री आता है कि हमें एक कर्सर इंस्टेंस क्रिएट करना होता है, या फिर बोल सकते हैं कि एक टेम्पररीली हमें एक कर्सर बनाना होता है जो हमें हेल्प करेगा डेटा के अंदर ट्रैवर्स करने के लिए। सो होता क्या, जब हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो गया, अब हमने उसको कुछ क्वेरी भेजी, ठीक है, SQL की जैसे क्वेरी थी, उस क्वेरी का डेटा उसने हमें जब वापस भेजा तो वो डेटा इकट्ठा वापस आता है, और कभी कभी क्या होता है कि हमें डेटा इकट्ठा नहीं पढ़ना, ठीक है, हमें इसके अंदर वन बाय रो इसको पढ़ना है, तो उस केस में हमारी कर्सर हेल्प करेगा। तो कर्सर कैसे बनता है, जो भी हमारा जो भी नाम देना है कर्सर को, जैसे मैंने CUR दे दिया, माइकॉन जो हमारा कनेक्टर ऑब्जेक्ट था, डॉट कर्सर, ये हमारा कर्सर फंक्शन है। तो इससे क्या होगा कि कर हमारा एक कर्सर बन चुका है, अब इसके थ्रू हम ट्रैवर्स कर सकते हैं जो हमारा डेटा है, रो बाय रो के अंदर हम चेक कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। स्टेप नंबर फोर क्या आता है, अब जो भी हमारी क्वेरी है हम उसको एग्जीक्यूट कराए थे, और एग्जीक्यूट कराने के लिए हमारे पास फंक्शन ही है एग्जीक्यूट नाम का, तो एग्जीक्यूट फंक्शन से हम एग्जीक्यूट करा देंगे हमारी क्वेरी को। कैसे, जो हमने कर्सर ऑब्जेक्ट बनाया है कर डॉट एग्जीक्यूट, और जो भी हमें क्वेरी एग्जीक्यूट करानी है, तो जैसे मैंने करा दी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो इससे क्या होगा कि सारे के सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे स्टूडेंट के अंदर से, सिलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब ऑल ही होता है, तो सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे और वो कहां आएंगे, वो हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएंगे कर के अंदर। तो जो रिट्रीव डेटा था वो हमारा कर्सर के अंदर आ चुका है, उसके बाद क्या करना है, स्टेप नंबर फाइव क्या है, बस उस डेटा को हमें पढ़ लेना है। तो अब डेटा जो है वो कर्सर के अंदर आ चुका है, मैंने बताया था कर्सर हम बनाते क्यों, ताकि हम डेटा को रो बाय रो पढ़ पाए। सो कर्सर के अंदर हमारे पास कुछ मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, और ये फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। सो जब कर्सर के अंदर अब डेटा आ गया तो उसे हमें फेच करना पड़ता है, तो फेच करने के लिए हमारे पास फेच फंक्शंस होते हैं, और यहाँ पर मैंने चार फंक्शन बता रखे हैं। सबसे पहले क्या है, मान लो हमें जो भी डेटा चाहिए उसके लिए वेरिएबल बनाएंगे, और कर्सर डॉट फेच ऑल, फेच ऑल क्या करेगा, जितने भी रिकॉर्ड हमारे कर्सर के अंदर आए वो सारे के सारे एक टपल फॉर्म में रिटर्न कर देगा डेटा के अंदर, ठीक है। तो मान लो जो हमने स्टार फॉर्म स्टूडेंट करा था उससे कुछ हमारी तीन चार रोज आई, उस सब की वो एक टपल बना देगा और वो रिटर्न कर देगा डेटा के अंदर। एक हमारा होता है फेच वन, फेच वन नाम से चल रहा है, क्या करेगा ये एक रिकॉर्ड फेच कर देगा, कह सकते हैं जो हमारे जो भी डेटा है मान लो सात आठ रोज आई है उसकी पहली रो आकर हमें दे देगा, ठीक है, एक रिकॉर्ड को फेच करके लाके दे देगा। अब वो टपल भी हो सकती है, लिस्ट भी हो सकती है, डिपेंड करता है, ठीक है। और जब हम नेक्स्ट टाइम फेच वन करेंगे तो अब फर्स्ट रिकॉर्ड ला दिया, तो दोबारा फेच वन करेंगे तो वो सेकंड रिकॉर्ड ला कर देगा, दोबारा फेच वन करेंगे तो थर्ड रिकॉर्ड ला कर देगा। और थर्ड नंबर पर हमारा आता है कि फेच मेनी फंक्शन, ये हमारा सिंटैक्स सेम ही रहेगा, जिसमें भी डेटा चाहिए, जिसमें भी टपल फॉर्म में लिस्ट फॉर्म में चाहिए वो लेफ्ट में रख देंगे, फिर जो हमारा कर्सर का नेम है वो डॉट, फिर फेच ऑल सारे रिकॉर्ड ला देगा, फेच वन क्या करेगा एक रिकॉर्ड लेगा, फेच मेनी क्या करेगा इसके अंदर हमें बताना पड़ेगा, जितने हम इसको रिकॉर्ड बोलेंगे उतने रिकॉर्ड ला कर देगा, सो रिटर्न एंड रिकॉर्ड एज अ टपल, इसको मैं बोलूंगा जितने लाने वो उतने टपल की फॉर्म में ला के दे देगा। और इसके अंदर एक चीज क्या है, अगर वहां पर कोई रिकॉर्ड नहीं है तो उस केस में हमें एक एम्प्टी टपल ला कर देगा, और फेच वन और फेच ऑल के केस में क्या होगा, अगर कोई रिकॉर्ड नहीं है तो नन रिटर्न कर देगा। लास्ट हमारा आता है रो काउंट, रो काउंट हमारा क्या बताता है हमें कि हमने कितनी रोज फेच कर ली है, ठीक है, रिटर्न्स द नंबर ऑफ रोज रिट्रीव्ड फ्रॉम द कर्सर सो फार। सो अगेन मान लेते हैं हमारी 10 रो आई थी, 10 में से हमने फेच वन करके चार पढ़ ली, और फिर फेच मेनी करके हमने मान लो दो पढ़ ली, तो रो काउंट से पता चल जाएगा कि हम 6 रोज पढ़ चुके हैं, तो रो काउंट हमें बता देगा कि 6 रोज हमने रिट्रीव कर लिए। तो चारों फंक्शन आपको अच्छे से पढ़ के जाने, ठीक है, यही पूछे जाते हैं जनरली जब आपका इस पार्ट
पार्ट से क्वेश्चन आता है पाइथन विद एसक्यूएल से, सो इसको ध्यान से पढ़ के जाना। फिर स्टेप नंबर 6 क्या है कि जब हमने एनवायरनमेंट बनाया था उसको क्लीन कर देना है। जैसे हम फाइल से कनेक्ट करते थे तो लास्ट में फाइल डॉट क्लोज करके जाते थे ना, वैसे जब हम यहाँ डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं तो अपने कनेक्शन को क्लोज करके जाते हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसके थ्रू। तो ये तो हमने देख लिया सारे स्टेप्स कैसे डेटाबेस हमारा कनेक्ट होता है और कैसे उसके अंदर हम क्वेरीज भेज सकते हैं। ये काफी बेसिक्स था, बस इसके अंदर कन्फ्यूजन क्या होती है, आपको एलियास नेम, कनेक्टर ऑब्जेक्ट और कर्सर नेम में डिफरेंस रखना है, ठीक है, और कौन से सिंटैक्स में कौन क्या आता है वो याद रखना है। अब हम ये देख रहे थे कि हम पैरामीटराइज्ड क्वेरीज कैसे भेजते हैं। तो मान लो यहाँ पर मेरे को एक क्वेरी भेजनी है, उसके अंदर ऐसी कंडीशन लगानी है और ठीक है ये एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बाहर मैंने एन इक्वल टू 33 कर रखा है, तो मैं इस क्वेरी को ऐसे नहीं भेज सकता, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका प्रॉपर फॉर्मेट क्या है, सो मैं वही करूँगा, हमारा कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, इसके अंदर हमारी क्वेरी डाल दूंगा और जहाँ भी मेरे को कोई वैल्यू डालनी है ना वहाँ पे मैं ऐसे कर दूंगा परसेंटेज, या तो मैं डायरेक्ट वैल्यू डाल दूँ ग्रेटर देन 10, 20, बट अगर मेरे को कोई वेरिएबल वैल्यू डालनी है वहाँ पे तो मैं क्या करूँगा वहाँ पे एक परसेंट एस लगा दूंगा कि भाई यहाँ पर एक स्ट्रिंग आने वाली है, और फिर इसको जैसे हम नॉर्मल स्ट्रिंग में करते थे ना परसेंट डी दे दिया था इंटीजर में, क्या करते थे परसेंट डी दे देते थे और लास्ट में परसेंट ला के उस डी की वैल्यू दे देते थे। यहाँ पे मैंने क्या करा परसेंट एस दे दिया और इसकी वैल्यू क्या दी मैंने लास्ट में परसेंट ला के इसकी वैल्यू दे दी। अब ये कुछ दिया, ये क्या है 33 नॉर्मल दे सकता था मैं, ब्रैकेट में खुद दिया, ये हमारी एक टपल है, टपल क्यों देते हैं नेक्स्ट वाले स्टेप में देखो। मान लो अगेन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन परसेंटेज एंड सेक्शन इज इक्वल टू परसेंटेज, यानी यहाँ पर हमें दो वैल्यू देनी पड़ेंगी, तो वो दो वैल्यू हम किस में देते हैं, वो टपल की फॉर्म में देते हैं। तो मैं लिखा परसेंटेज परसेंटेज, तो परसेंट ला के ब्रैकेट में मैंने दोनों वैल्यू दे दी, तो 33 चला जाएगा इधर और ए हमारा चला जाएगा इधर। तो जब भी हमें कोई वेरिएबल से वैल्यू देनी होती है हम ऐसे नहीं दे सकते, हम क्या करेंगे यहाँ पे परसेंटेज छोड़ के और फिर बाद में उसको एज अ वैल्यू पास कर देंगे। तो ये तो हमारा एक मेथड होता है पैरामीटराइज्ड क्वेरी देने का। सेकंड मेथड हमारा क्या होता है, यहाँ पर देखो एक कैसे हम कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया पास मार्क्स 33 है सेक्शन ए है, फिर मैंने एक क्वेरी की अलग से क्वेरी बना ली, क्वेरी की स्ट्रिंग बना ली अलग से, वो क्या है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन परसेंटेज एंड सेक्शन ग्रेटर इक्वल टू परसेंटेज। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर मैं बोल गए कि ये जस्ट परसेंटेज है और ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर परसेंटेज है, तो जब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर परसेंटेज है तो यहाँ पर भी हमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो स्ट्रिंग देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल परसेंटेज है तो यहाँ पर हम नंबर दे सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, जो हमारी क्वेरी थी मैंने उसको एक क्वेरी नाम की स्ट्रिंग के अंदर डाल लिया, तो ये हमारी पूरी स्ट्रिंग आ गई क्वेरी नाम के अंदर। फिर मैंने वैल्यूज रखी, वैल्यूज नाम की एक टपल बनाई, इसके अंदर मैंने दो वैल्यूज दे दी पास मार्क्स और सेक्शन, ठीक है, तो इसके अंदर 33 और ए आ गया, और वैल्यूज टू नाम की एक टपल बनाई, उसके अंदर मैंने जस्ट वैल्यू दे दी 27 और बी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब मेरे को एक क्वेरी बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं ऊपर क्या करता कर डॉट एग्जीक्यूट करके बार बार क्वेरी लिखता, तो मैंने क्या करा क्वेरी नाम की एक स्ट्रिंग बना ली, अब मैं एग्जीक्यूट के अंदर क्वेरी और कॉमा डाल के वो वैल्यूज दे दूंगा एज अ टपल, ठीक है। तो या तो मैं क्या कर सकता हूँ पूरी क्वेरी लिखूं और एंड में परसेंट के साथ वो वैल्यूज दे दूँ एज अ टपल, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ क्वेरी को अलग से बना लूँ वहाँ परसेंट की जगह छोड़ के और एग्जीक्यूट करते हो कॉमा में वो वैल्यूज दे दूं और उन वैल्यूज की मतलब एक टपल दे दूं। तो ये हमारा दूसरा मेथड होता है पैरामीटराइज्ड क्वेरी का। एक तीसरा मेथड भी होता है, उसमें हम क्या करते हैं उसके अंदर हम फॉर्मेट फंक्शन यूज करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे करा आई विल स्कोर और यहाँ पे हम क्या करते हैं खाली ब्रैकेट छोड़ देते हैं कर्ली ब्रैकेट्स, तो आई विल स्कोर दिस आउट ऑफ दिस और फिर क्या करते हैं डॉट फॉर्मेट ला के और लास्ट में वैल्यूज देते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो वैल्यूज वहाँ पर चली जाती है। या फिर हम क्या कर सकते हैं इसको इंडेक्सिंग दे सकते हैं, तो मैंने इसको दे दिया 01, तो अगेन इसमें भी क्या होगा 0 पे 33 और 1 पे हमारा 100 चला जाएगा। और एक मेथड क्या है यहाँ पर मैं प्रॉपर नेम्ड पैरामीटर दे रहा हूँ, आई विल स्कोर कर्ली ब्रैकेट के अंदर मार्क्स दे दिया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर टोटल दे दिया, ठीक है। अब फॉर्मेट, अब यहाँ पर मेरे को ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मैं जस्ट नाम के साथ वो दे देता हूँ, टोटल को मैंने टोटल इक्वल टू 100 दे दिया, मार्क्स को मार्क्स इक्वल टू 30 दे दिया। अगर मेरे को ऑर्डर वाइज देना है तो मैं डायरेक्ट ऐसे दे सकता हूँ, अगर मेरे को नेम्ड वाइज देना है तो मैं ऐसे दे सकता हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं इस हिसाब से क्वेरी कैसे पास करेंगे। ये तो हमारा एक नॉर्मल सेंटेंस था, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन ये एंड सेक्शन इक्वल्स टू ये, और फिर फॉर्मेट के अंदर मैंने वो वैल्यूज दे दी। तो ये हो गया हमारा लास्ट मेथड कैसे हम पैरामीटराइज्ड क्वेरी देते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि इंसर्ट करने के लिए हम क्वेरी कैसे भेजेंगे इसके अंदर। सो जैसे हमने एग्जीक्यूट फंक्शन यूज करा था वैसे ही करेंगे, कर डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी दे दी इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, तीनों एट्रीब्यूट्स के नाम दे दिए, वैल्यूज में क्या दिया मैंने खाली ब्रैकेट अभी ऊपर देखा था ना कैसे वर्क करता है, डॉट फॉर्मेट ला के इसमें तीनों वैल्यू चली जाएंगी 141 इसमें ये इसमें ये इसमें, और देखो सेकंड वाली हमारी स्ट्रिंग है यहाँ पर मैंने इन्वर्टेड कॉमास लगाए, तो क्लियर हो गया होगा। बस जैसे क्या होता है इन्हें प्लेस होल्डर बोलते हैं वैसे भी, तो क्या करते हैं प्लेस होल्ड करके रख लेते हैं, तो 141 इस जगह पे आ जाएगा, हर इस जगह पे आ जाएगा और 99 इस जगह पे आ जाएगा। तो यहाँ एग्जीक्यूट के बाद हमने एक चीज लिखी है माइकॉन डॉट कमिट, कमिट से क्या होता है जो भी हमने क्वेरी लिखी है उसके जो चेंजेस हैं वो इससे परमानेंटली हमारे डेटाबेस में चले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हमने क्या करा कर डॉट एग्जीक्यूट इसमें अपडेट कर रहे हैं, तो अपडेट स्टूडेंट अब क्या करना है मार्क्स को सेट मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स की कुछ वैल्यू सेट कर रहे हैं जहां मार्क्स ही है, यानी कुछ यहाँ पर करेक्शन कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है। दोनों खाली ब्रैकेट दिए फॉर्मेट करके दोनों वैल्यूज दी, अब तो बहुत ईजी है, जस्ट 96 पहले वाले में 94 पहले वाले में जाएगा 96 बाद वाले में चला जाएगा, तो काफी सिंपल है यार ये, प्लेस होल्डर होते हैं ऐसी वर्क करते हैं, और जहाँ पे हमने अपडेट करा अगेन तो डेटाबेस में चेंजेस को परमानेंट करने के लिए लास्ट में दोबारा से कमिट कर देंगे, और एंड में हमेशा कनेक्शन क्लोज करने के लिए माइकॉन डॉट क्लोज करके आ जाएंगे। तो देख लिया हमने बेसिक कैसे एसक्यूएल के साथ पाइथन को कनेक्ट करा जाता है। अब एसक्यूएल को पाइथन के साथ कनेक्ट करके आप प्रोजेक्ट्स काफी बढ़िया बढ़िया बना सकते हो, तो अभी तो हमने थ्योरी पढ़ी खाली इसकी, ठीक है। पेपर में आपको क्या करना है जितना पढ़ाया उतना पढ़ के जाना है ऑब्वियसली, ठीक है। पेपर में आपका थ्योरी वाला पार्टी पूछा जाता है, ठीक है, या तो आपसे कमांड लिखवाएंगे और आपसे फंक्शंस के बारे में पूछेंगे, तो इन फंक्शंस को ध्यान से पढ़ के जाना, ठीक है। सो इतना था इस वीडियो के लिए, मिलता हूं सभी से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ईट वेल स्लीप वेल एंड